बताया कि मेरा कॉल नहीं किया, मैंने मैसेज किया उसको क्योंकि कॉल ऑफिस में मीटिंग चल रहा था और मैं मैसेज किया, पर सर सर को मैंने बोला मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ सर, क्या आपने मेरे इसलिए मेरे लिए रखा है क्या? उन लोग ने बताया कि मेरे लिए के लिए रखा है इसलिए तुमको 10,000 देता है क्योंकि तुम्हारा क्वालिफिकेशन कुछ है नहीं। ये कौन बोला? ये सीईओ ने बोला, मालिक मालिक रफीक अली ने बोला, बोलता उसको ये सिक्योरिटी गार्ड ने हमको बोला, मतलब हाँ उन लोग ने बोला। रफीक अली भी आया था वो रूम में, देख के भी मेरा चप्पल बाहर में देख के भी उन लोग ने मुझे चुप करा दिया, दरवाजा बंद करके मेरा फ़ोन बाहर रख दिया था। देखा है रफीक अली और एक अनिल बोल के मैनेजर है, वो भी आया देख के चला गया और वो उसको सिक्योरिटी को फ़ोन किया था, फिर बोला जैसे लेके गया जैसे लेके आना, कोई नहीं देखना चाहिए। अभी वो लोग बोल रहे हैं कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्यों ब्लैकमेल करेगा? अगर पैसा ही करना है, पैसा ही कमाना है तो गुवाहाटी में इस पार्क में इतना पैसा है, मैं 10,000 के लिए क्यों ये करेंगे? नहीं बोला है 5,000 के लिए आपने ब्लैकमेल किया है। मैंने कुछ नहीं किया है, ऐसे सब झूठ बोल रहे हैं। अगर पैसा ही चाहिए तो स्पा में गुवाहाटी में बहुत पैसा है, स्पा में पैसा है और क्या, बहुत पैसा है इसमें। क्यों मैं ये 10,000 के लिए क्यों मैं झाड़ू मारने के लिए क्यों जाऊँगी? मुझे इज्जत का जिंदगी चाहिए था क्योंकि मेरा बेटी है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एज 37 है, मुझे इज्जत का जिंदगी चाहिए क्योंकि मेरा बेटी बड़ा हो रही है, उसके लिए मेहनत करना चाहती थी, सीखना चाहती थी उन लोग से, पर उन लोग ने कुछ नहीं। दो दिन मुझे बहुत अच्छा सिखाया, मुझे कंप्यूटर सीखना था तो मैंने पूछा अशरफ को, मुकुल को पूछा था मुझे सिखा दीजिए, फिर दोबारा मैंने उसको बोला मुझे सेफ्टी फील नहीं हो रहा, कोई सब गंदी नज़र से देखता है। ये कंपनी में एक ही लड़की है, आप ही लड़की? नहीं लड़की बहुत है, वो लोग बात ही नहीं करता, कोई भी बात नहीं करता, कोई भी मुझसे बात ही नहीं करता, प्रियंका अलावा, प्रियंका मैनेजर है वही मुझे बात करता है मुझसे। कंपनी का नाम क्या है? एम मनस्त्रीम टेक्नोलॉजी।